यहाँ के सवाल करने के लिए जिसको हम लोग ठेका दे रखे, जिसको हम लोग टेंडर दे रखे, वो नित दिन ट्रांसपोर्टिंग कहाँ मिलेगा, कहाँ खदान में हिस्सेदारी मिलेगा, कहाँ आपका माल पानी मिलेगा, उसके लिए लड़ाई चल रहा है। की सरकार जब आई थी तो बोला था उसने कि हमको हमारी सरकार बनेगी, हम तुरंत ये विस्थापन आयोग का गठन करेंगे, विस्थापितों की समस्या का समाधान करेंगे, जल जमीन जंगल की रक्षा करेंगे। आज भी बोलते हैं लेकिन वो केवल बोल बोली में है, करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते। और खौरा नाला, एने सुंदरलाल जी, ये नालों को इस कंडीशन में दिया गया था, इस नालों को संरक्षित करना था, ना कि इसको बर्बाद करना था, इसको खदान बनाना था। और इस नालों को संरक्षित करने के साथ साथ इस नाले के किनारे 50 मीटर के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट बनाना था। क्या किया एनटीपीसी ने? ग्रीन बेल्ट नहीं बनाया, कोई पेड़ पौधा नहीं लगाया, नाला को रिजर्व नहीं किया, बल्कि नाला को अवैध रूप से खदान बना दिया। और आज नाला, ये जो मैं नाला बताया, ये नाला कहीं अस्तित्व में नहीं है। देश के एक देश में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जिसको कॉमन केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्पष्ट है कि किसी भी जल स्रोत को नदी तालाब पोखर कुआं इत्यादि जिसमें जल स्रोत है उसको आप बंद नहीं कर सकते हैं, इसकी धारा को आप मोड़ नहीं सकते हैं, और आप कोई भी किसी भी कारण से इसको आपको बना के संरक्षित रखना है इसमें जल। और जो जमीन अधिग्रहण करके झूठा रूप से खदान खोला कि 12,000 एकड़ जमीन हमको मिल गया, 1200 एकड़ में हमारा खदान खुलेगा, मैं उस खदान के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट से लेकर जीएम सब तमाम तरह का पीआईएल हाई कोर्ट में लगा हुआ है, इसके खिलाफ फैसला जाएगा, मेरा ये दावा है। क्योंकि कानूनी बात को हम लोग समझ चुके हैं और इसके पास कानून विद्यालय के पास दूसरा कोई चारा नहीं है, इसलिए आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। और पकड़ी परवाड़ी एनटीपीसी के खदान को, एक खदान खोला उसी में समेट के हम लोग रखेंगे समता के, आगे खदान नहीं खुलने देंगे। अगर आगे खदान खुलेगा, आज देख लीजिए, एक खदान खुला, एक कन्वेयर बेल्ट पुनर्व लगा, एक गाड़ी का एक खदान के लिए ट्रांसपोर्टिंग हुआ, आज क्या हुआ? ये हाथी का स्पेशल कॉरिडोर था, हाथी का आने जाने का विशेष रास्ता था, रास्ता को रोक दिया, जिसके कारण हाथी फटक गया। हर 3 महीना में हाथी खराब में आ जा रहा है। अभी 5-7 दिन पहले हाथी आया कि नहीं, काम में आया कि नहीं आया, कहाँ है वन विभाग? और इसलिए इस बात के कहते हैं हर 2-3 महीना में हाथी का झुंड इस क्षेत्र से आना जाना होता है, जिसके कारण से हाथी का रास्ता रोक दिया कंपनी के द्वारा, लाइट लगा दिया, हाथी जाए आ नहीं सक रहा है। हर गाँव में जाकर हाथी के द्वारा डेली हमला आता है, जिससे डेली ग्रामीण 2-3 जब हाथी आता है 3-4 लोग मारे जाते हैं, सैकड़ों एकड़ का फसल नष्ट हो जाता है। वन विभाग सोया हुआ है, वन विभाग क्या करता है, हाथी को इधर से उधर कूदाता है, उधर से इधर आता है, फॉरेस्ट विभाग लातेहार वाला हजारीबाग में घुसा दिया कूदा के, हजारीबाग वाला लातेहार रांची में घुसा दिया, यही खेल चल रहा है। लेकिन ये चिंता नहीं कर रहा है कि हाथी का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया, इस रास्ता को खोल दो, नहीं तो हाथी आम आम को जान मारे। ये सवाल है सर, अब ये सवाल सत्ता से नहीं करेंगे, वन विभाग से नहीं करेंगे, तो किससे करेंगे? यहाँ के सवाल करने के लिए जिसको हम लोग ठेका दे रखे, जिसको हम लोग टेंडर दे रखे, वो नित दिन ट्रांसपोर्टिंग कहाँ मिलेगा, कहाँ खदान में हिस्सेदारी मिलेगा, कहाँ आपका माल पानी मिलेगा, उसके लिए लड़ाई चल रहा है। आपका लड़ाई लड़ेगा कौन, ये भी एक सवाल है। अभी हमारे साथ हैं सीपीआई के पूर्व सांसद हैं भुवनेश्वर मेहता जी, यहाँ पे जो हम अभी कुछ देर से बैठे हैं, तो अभी यहाँ पे क्या था, ये क्या चीज़ का प्रोग्राम था और क्यों रखा? नहीं, ये अखिल भारतीय किसान सभा का हजारीबाग जिला का सम्मेलन हो रहा है, हर 3 साल पर सम्मेलन होता है,
कई जिला पहले तो ही वैसे 9-10 सम्मेलन है हजारीबाग का, लेकिन जिला के बंटवारे के बाद ही 5वां सम्मेलन है। और इसमें मुख्यतः हम किसानों की समस्या पर विचार करते हैं। और अभी कि वो किसान सबसे ज़्यादा परेशान झारखंड का किसान, चाहे वो हजारीबाग जिला का हो कई किसी जिला का हो, वो विस्थापन से है। सीधे सीधे जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है उसका उल्लंघन हो रहा है, उसको लागू नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार तो लागू करना नहीं चाहता, बल्कि उसके खिलाफ में जो ही सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उसमें सुधार करने के लिए उन्होंने बिल लाया था, विधेयक लाया, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ तो उसको वहीं रख दिया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। झारखंड की सरकार भी नहीं लागू कर रही। उसमें जिन जिन बिंदुओं पर 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है, ये साफ है कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, 2-3 जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, लेकिन बड़का गांव में तो खेड़ी में वही हो रहा है। तो हेमंत सोरेन की सरकार जब आई थी तो यही बोल के आई थी ना कि जो कानून, सोरेन की सरकार जब आई थी तो बोला था उसने कि हमको हमारी सरकार बनेगी, हम तुरंत ये विस्थापन आयोग का गठन करेंगे, विस्थापितों की समस्या का समाधान करेंगे, जल जमीन जंगल की रक्षा करेंगे, आज भी बोलते हैं, लेकिन वो केवल बोली में है, करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते। हम समझते हैं जिस जल जमीन जंगल की हिफाजत के लिए शहीद बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, नीलाम्बर पीताम्बर ने शहादत दिया, एक तरफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरी तरफ वो जमीन की रक्षा की, और इसीलिए 1908 ईस्वी में अंग्रेजी हुकूमत को भी CNT एक्ट कानून बनाना पड़ा, छोटापुर टेंडेंसी एक्ट कानून बनाना पड़ा, संतालपुरा टेंडेंसी तो बाद में बना, इसीलिए वो जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आज वो उसको भी लोग सब बुलाए, नाम जरूर लेते हैं सब नेता का, सारे शहीदों का नाम लेते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतर रहा है। हमारा किसान सभा पहले भी हम आंदोलन करते रहे हैं, ये विस्थापन को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, अब फिर से इस आंदोलन को नए सिरे से हम न केवल हजारीबाग जिला में, बड़का गाँव किरण में, बल्कि पूरे राज्य में इसको ले जाना चाहते हैं, और हम विस्थापन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें भी यहाँ पर अडानी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, और गजलपुरा अगल बगल के जो 2-3 और गाँव हैं चल रहा है, अभी धरना पर 12 से शुरू किया है। इस धरना का, इस आंदोलन का हम समर्थन करते, समर्थन नहीं, हमारा यह संगठन किसान सभा जोरदार तरीके से आंदोलन में उतरेगा, और हम जाएंगे मरेंगे उनके साथ, ये नारे के साथ, करो या मरो के नारे के साथ उनको समर्थन। लेकिन ये सब चीज़ चुनाव से पहले क्यों, अभी लोकसभा चुनाव है, आगे चल के विधानसभा चुनाव होगा, तो ये सब चीज़ चुनाव से पहले ही क्यों, बीच में क्यों नहीं? मैं चुनाव के बाद में नहीं करना चाहता, मैं अगले साल, हमने झारखंड विस्थापित संघर्ष मोर्चा का गठन किया, रांची में SDC हॉल में बड़ा सम्मेलन हुआ, करीब 400 लोग जुटे, जिसमें अभी 42 संगठन के लोग उसमें सदस्य, केवल CPI के लोग नहीं है, तमाम वाम और जनवादी दलों के सामाजिक संगठन जो लड़ रहे हैं विस्थापन के खिलाफ पूरे झारखंड में, सारे को मिला के बनाया है। हमने SDC हॉल में किया, धरना दिया अगले 7 नवंबर को, और फिर इस बार नहीं हुआ, 7 नवंबर को धरना दिया हम प्रेस क्लब में, फिर सभी लोगों का मीटिंग किया, हम आगे भी 25 को मीटिंग करें, इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। हम पहले से भी हम लड़ते रहे हैं विस्थापन के खिलाफ, हमने बोकारो में 2005 में हम लड़ाई किया था, जो 16 से बंद था बहाली, 532 लोगों को बहाल कराया था लड़के, और फिर उसके बाद बंद हो गया। हम लोग बोकारो हो, तेनू घाट हो, हजारीबाग हो, जहाँ है, हम सारे जगहों पर हम लड़ रहे हैं इसको, और आगे भी लड़ाई इसको मजबूत करेंगे। एक सवाल और था कि जैसे यहाँ की जो विधायक है कांग्रेस से, सुश्री अम्बा प्रसाद, वो बोलती हैं कि NTPC हमारी नहीं सुनती, सरकार नहीं सुनती, तो फिर ये विपक्ष का रोल भी वही निभा रहे हैं और सत्ता का भी रोल वही निभा रहे हैं। तो उन्हीं से बात पूछे, क्यों नहीं करते हैं? ये तो सवाल आप विपक्ष से भी पूछा जाएगा ना, जब विपक्ष अगर रोड पे नहीं है तो जो सत्ता पक्ष है वो भी रोड पे है। रोड पर है हम क्या, अगर विस्थापन की लड़ाई ईमानदारी से कोई लड़ा है, कोई संगठन लड़ा है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, वामपंथी दल है, भुवनेश्वर प्रसाद मेहता उसका अग्रणी भूमिका अदा किया। कहाँ पे है? केरेडाड़ी में 16 इस जिले के जितने भी ब्लॉक हैं, 16 जिले के SP DSP BDO सब लगा के ट्रांसपोर्टिंग चालू कर दिया गया केरेडाड़ी में। केरेडाड़ी में क्या, देखिए आप, मैंने अब उतने बात पर नहीं जाना चाहता ये। अच्छा ठीक है, हम बरवाड़ी की बात करते हैं। अगर पकड़ी बरवाड़ी में जब आंदोलन शुरुआत किया था, वो बोला था हजारीबाग की मीटिंग हुई थी, सब लोग था, बाबूलाल मरांडी BJP में नहीं गया था, झारखंड विकास मोर्चा में था, सुबोध कांत सहाय थे, हम लोग सारे लोग थे, हमने कहा था जोगेंद्र साहब से कि मिलजुल करके आंदोलन करो,
कि जिसको आना आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। अब ऐसा करने तो कोई आंदोलन में नहीं जाता। आज इसके आंदोलन में फेल हो गया, दर्जनों लोग पर झूठा केस हुआ, दर्जनों कई लोग पर केस हुआ, कितने लोग जेल में रहे। हम लोग उसके बाद भी फायरिंग होती हुई, सबसे पहला आदमी मैं आने वाला था, सबको लाने वाला भी मैं। हम करते रहे, उसके लिए कुछ नहीं, हम करते रहे। अब है कि सरकार ने उसके सरकार को जन, इसीलिए हमने तय किया आज ये आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे, विस्थापितों के आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे, जनता सब जनता को जगाएंगे, उसके लिए हम लोग पद यात्रा करेंगे, जन जागरण जत्था निकालेंगे। और जिसकी शुरुआत हम बहुत जल्दी मई महीने में फेसबुक से ही, हम बड़का गांव से ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे CPI के पूर्व सांसद हैं भुवनेश्वर मेहता जी, नमस्कार।